hello बच्चो let's see the question a person entering an empty room suddenly finds a snake right in front of opening the door which one of the following is likely to happen in his neurohormonal control system option a sympathetic nervous system is activated releasing epinephrine and norepinephrine from adrenal cortex option b sympathetic nervous system is activated releasing epinephrine and norepinephrine from adrenal medulla and option C, neurotransmitter diffuse rapidly across the cleft and transmit a nerve impulse. Option D, hypothalamus activate the parasympathetic division of the brain. देखो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक पर्सन है जो कि एंटर कर रहा है खाली कमरे में ठीक है और उसने क्या देख लिया स्नेक देख लिया ठीक है ड्यूरिंग एंड इन फ्रंट ऑन ओपनिंग द रूम ठीक है और बोला गया है कि इनमें से क्या होगा ठीक है इन हिज न्यूरल हॉर्मोनल कंट्रोल सिस्टम तो देखो ये एक टाइप की इमरजेंसी कंडीशन होगी ठीक है कि इस टाइम पे क्या होता है की एड्रीनल मेड्यूला जो होता है एड्रीनल मेड्यूला रिलीज करता है एमरजेंसी हॉर्मोन दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नोर हार्मोन हॉर्मोन हार्मोन हॉर्मोन इज ऑल्सो नोन एज द एड्रीनलिन हॉर्मोन एंड नो हार्मोन हॉर्मोन इज ऑल्सो नोन एज द नोर एड्रीनलिन हॉर्मोन और ये एड्रीनल म्यूड्यूला से हॉर्मोन रिलीज कब होंगे जब सिंथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है तो इस कंडीशन में क्या होगा एकदम से पैनिक हो रहा है वो तो इस कंडीशन में एस एन एस सिंफेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जो फर्दर एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज कराएगा एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन हॉर्मोन ठीक है ऑप्शन ए में लिखा है कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा बिल्कुल सही बात और रिलीज कराएगा एपिनेफ्रिन एंड नो रेपीफ्रिन लेकिन ऑप्शन ए में लिख दिया कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से लेकिन कहां से रिलीज होता है एड्रिनल मेड्यूला से तो पहला ऑप्शन हुआ इनकरेक्ट ऑप्शन बी में लिखा है, है बिल्कुल सही बात और कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है एपिनेफ्रिन एंड नो और कहां से हो रहा है एड्रिनल मेड्यूला से सो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन सी में लिखा है कि न्यूरो ट्रांसमीटर डिफ्यूज होंगे रैपिडली नो no. यहाँ पे नर्वस सिस्टम वर्क करेगा सिंपेटिक नर्वस सिस्टम ऑप्शन डी में लिखा है कि पैरासिफेटिक डिवीजन जो है ब्रेन का वो एक्टिवेट हो जाएगा थ्रू हाइपोथैलेमस लेकिन नर्वस सिस्टम क्या करता है वो एक्टिविटी को स्लो कर देता है ठीक है वो हार्ट बीट रेट और ब्लड प्रेशर इन सबको डिक्रीज कर देता है लेकिन इस एमरजेंसी कंडीशन में हार्ट बीट रेट और ब्लड प्रेशर ये सब हाई हो जाते हैं सो हियर ओनली बी इज द करेक्ट आंसर बेस्ट ऑफ लक